जोशीमठ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पहाड़ों में लगातार हो रही है तेज बारिश। जोशीमठ में जोरदार बारिश जारी है, चमोली जनपद में भी लगातार बारिश हो रही है। बद्रीनाथ हाईवे सहित गुलाब कोटी और कौंडिया हुआ है बंद। अलकनंदा मंदाकिनी और पिंडर नदी का जल स्तर बढ़ गया है। बड़ी खबर इस वक्त जोशीमठ से आपको बता रहे हैं, जहां पर पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। जोशीमठ में जोरदार बारिश हो रही है, वहीं चमोली जनपद में भी लगातार बारिश देखने को मिल रही है। बता दें कि बद्रीनाथ हाईवे सहित गुलाब कोटी और कौडिया इस वक्त बंद हो गए हैं। अलकनंदा मंदाकिनी और पिंडर नदी का जल स्तर भी बढ़ चुका है। जोशीमठ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मौसम का मिजाज बदलता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त पूरे उत्तराखंड में जोरदार बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे सहित गुलाब कोटी और कौडिया बंद हो गया है। आपको बता दें अलकनंदा मंदाकिनी और पिंडर नदी का जलस्तर इस वक्त बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आगे चलकर खतरे का सबब भी बन सकता है। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। पहाड़ों में लगातार तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नेशनल हाईवे के साथ कई रास्ते बंद हो गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे के साथ अलकनंदा मंदाकिनी और पिंडर नदी सहित छोटे बड़ी नदी नालों का जलस्तर इस वक्त बढ़ चुका है। चमोली जनपद में लगातार हो रही बारिश से ग्रामीण इलाकों में मोटर मार्ग भी ठप हो गए हैं। कर्णप्रयाग गैरसैंण मोटर मार्ग भी सिरोली भटोरी के पास का रास्ता भी बंद हो गया है। बीआरओ के कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि पहाड़ों से लगातार पत्थर गिरने के कारण लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है। बारिश थमने पर ही सड़क खोलना संभव हो पाएगा। कई जगहों पर ग्रामीणों के खेत खलियानों में भी भारी पानी भरने से नुकसान की सूचना मिली है। तो इस वक्त चमोली में मौसम का मिजाज बदलता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जोशीमठ में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद अलकनंदा पिंडर नदी का जलस्तर भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं से मामले में तमाम जानकारी देने के लिए मैं संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुरेंद्र, इस वक्त चमोली में मौसम का मिजाज बदलता दिखाई दे रहा है, ऐसे में और क्या कुछ जानकारी सामने आई है? नमस्कार अनुष्का जी, जो कल रात से यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण जो है कि यहाँ के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें हैं, ये बिल्कुल खस्ता हाल में पहुंच गई हैं। और जगह जगह हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें हैं, लोगों की आवाजाही ठप हो गई है और इसमें जो यातायात है वो भी पूरी तरह बाधित है। जगह जगह लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लगी हैं। और इसी तरह जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है जोशीमठ के पास मारवाड़ी पुल में, ये काफी दूर तक जो मार्ग है ये पूरा धस गया। और वहाँ पे जो NH के जो मजदूरों के हट बने हुए थे वो भी उसमें धस गए हैं। और इसी तरह जो यहाँ पे नदियां हैं, जो नदी नालों का है वो बहुत ही उफान पर हैं। और लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से भी ये खबर आ रही है कि लोगों के जो खेत खलियान हैं वो भी भारी पानी के तबाही के उसमें मुंह पे कगार पे खड़े हैं। जी अनुष्का जी, जिस तरीके से इस वक्त चमोली में भारी बारिश देखने को मिल रही है, ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा आगामी दिनों को लेकर क्या कुछ चेतावनी या फिर क्या कुछ जानकारी दी गई है? बिल्कुल, जिला आपदा प्रबंधन की तरफ से जो सचेत कर दिया गया है लोगों को कि जो नदी नालों को पिंडर नदी या भागीरथी अलकनंदा के जो किनारे हैं उन लोगों को चेतावनी दे दी गई है कि अलर्ट पे रहें और नदी नालों के किनारे न जाएं कि भारी जो दुर्घटना की संभावना है, बाढ़ की संभावना बन सकती है। तो जिला प्रशासन भी मुस्तैद है, यहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन है वो भी लगभग मुस्तैद है और उनकी तरफ से लोगों को चेतावनी दी जा चुकी है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चमोली से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहाँ पर भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि लगातार हो रही जोरदार बारिश की वजह से अलकनंदा पिंडर नदी में जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जहां ऋषिकेश एम्स में जनरल OPD खोलने के बाद भी टेलीमेडिसिन सेवा जारी रहेगी। बता दें कि बीते 19 अप्रैल को आम मरीजों को फोन पर डॉक्टरी परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से टेलीमेडिसिन सेवा को शुरू किया गया था। तब से इस सुविधा के तहत फोन और व्हाट्सएप कॉल पर विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर लगातार मरीजों को आवश्यक मेडिसिन परामर्श दे रहे हैं।
अब यह सेवा आगे भी जारी रहेगी। कोरोना का संक्रमण काफी ज्यादा कम हो गया है, इसलिए मरीजों के लिए ओपीडी व्यवस्था को फिर से शुरू कर दिया गया है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बाजपुर में बच्चों में निमोनिया आदि संक्रमण की रोकथाम के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये टीका बच्चों को संक्रमण से बचाने में कारगर साबित होगा। वहीं स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज माथुर ने बताया कि कोरोना के बाद अब बच्चों में पनप रहे संक्रमण और निमोनिया से इस टीके द्वारा बच्चों को खतरे से बचाया जा सकेगा। आइए, ये कल रात को ही आइए, पूरे उत्तराखंड में आज ही के दिन लॉन्च होनी है जिला अस्पताल में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। आपने जैसे नाम सुना होगा निमोनिया, आमतौर पर लोग कहते हैं बच्चे को निमोनिया हो गया है, तो ये फेफड़ों का इन्फेक्शन है। इसमें छोटे बच्चों को जुकाम, खांसी, बुखार, पसलियाँ चलना, तो माँ बहुत परेशान हो जाती, तो उसके बचाव के लिए ये नियमित टीकाकरण जो हम करते हैं बच्चों का, BCG, GPT, पोलियो, नाम सुना होगा आपने, उसके साथ ही बच्चों को लगाया जाएगा 1.5 महीने पर पेंटाविलेंट डोज के साथ, तो एक साल के अंदर 3 डोज लगाई जाएंगी आपको, ये तो बच्चों को इस संक्रमण से रोकेगा फेफड़ों के। न्यूमोकोकल वैक्सीन जो छोटे बच्चों को, 1 साल से कम उम्र के बच्चों को और 45 दिन से ऊपर के बच्चों को लगाई जाती है, आज की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। और निश्चित रूप से संक्रमण को रोकने के लिए, लंग्स इन्फेक्शन को रोकने के लिए यह कारगर सिद्ध होगी। और यहाँ पर सभी को जो छोटी 45 दिन से ऊपर के जो नवजात शिशु हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा और 1 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। इन्फेक्शन को रोकने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, कारगर है। आज इस हॉस्पिटल में इसकी हमने शुरुआत की है। मुझे विश्वास है कि यहाँ के इसको ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत है, प्रचार भी होना चाहिए, प्रसार भी होना चाहिए और लोगों को जानकारी होनी चाहिए। मैंने यहाँ के जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर माथुर साहब से भी अनुरोध किया है कि इसको ज़्यादा व्यापक रूप से इसका प्रचार। हरिद्वार से ये पूरा मामला सामने आया है जहाँ पर थोक केंद्रीय उपभोक्ता भंडार में कर्मचारियों की फर्जी नियुक्ति का मामला सामने आया, जिसके चलते सरकारी राजस्व को लाखों का चूना लग रहा है। वहीं जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां उत्तराखंड हरिद्वार का कहना है कि इस पूरे मामले में लाखों रुपए का चूना लगाया गया है। ये पूरा मामला संज्ञान में आया है और जल्द ही इस मामले में कार्यवाही की जाएगी। रुड़की के जब बेड़ा विधानसभा के विधायक देशराज कर्णवाल ने 4 गांवों को जोड़ने वाली 4 किलोमीटर की सड़क का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब वह निर्वाचित होकर इस विधानसभा में आए थे तो उनके क्षेत्र में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे थे। तभी से उन्होंने प्रण लिया कि वह यहां दोबारा विधायक रही या ना रही, लेकिन इस विधानसभा को वह गड्ढा मुक्त जरूर करेंगे। ये प्रेस की 4 सड़कें मैंने पास कराई है, इनका उद्घाटन जल्दी ही होगा। 5 सड़कें मुझे मुख्यमंत्री जी ने और दी है, 9 सड़कें हो गई और उसके बाद राज्य योजना से, जिला योजना से और भी सड़कें मैं जल्दी ही लेके आ रहा हूँ। मेरी विधानसभा में जो एक मुख्य सड़क रह गई है ये है आपकी माधोपुर वाली सड़क 4.58 और इसको हम आज शुरू करेंगे और लगभग 3 से 4 दिन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। विधायक जी के द्वारा नहीं दी गई है, एक सुझाव है, उसको हम सुझाव के तौर पर देखते हैं, क्योंकि हम लोग तो कार्य ही इस बेस पर करते हैं कि क्वालिटी दें। जैसा कि अभी लगभग सप्ताह भर पहले भी पत्रकार महोदय श्री अमर मौर्य जी द्वारा पूछा गया था, तो हमने कहा था भाई क्वालिटी के नाम पे। सितारगंज में विधायक सौरभ बहुगुड़ा ने सितारगंज ब्लॉक को सैनिटाइजर मशीनें मुहैया कराई, साथ ही सभी को कोविड से बचाव हेतु मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स और दवा की किट भी बांटी है। साथ ही विधायक ने पंचायती अधिकारियों के साथ बैठक भी की और उन्हें निर्देश दिए गए कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में इन सभी चीजों की उपलब्धता पर पैनी नजर बनाए रखें ताकि लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके।
विकास नगर में चाय बागान गुड़िच सागर हत्याकांड के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी कमरेस को गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड के मामले में एक आरोपी कंचन को पुलिस दो दिन पहले ही जेल भेज चुकी है। इस हत्याकांड में कंचन और कमरेस का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस कमरेस की तलाश काफी दिन से कर रही थी। इंस्पेक्टर ने कार्यवाही करते हुए इस मामले में इन्हें गिरफ्तार किया है। कि दिनांक 12/6/2021 की देर रात्रि में एक हत्या की सूचना के बाबत थाने में एक मुकदमा पंजीकृत है, जिसमें सागर उर्फ सौरभ की हत्या के मामले में पहले भी एक अभियुक्त कंचन जेल जा चुका है। दूसरा अभियुक्त कामरेज बच गया था, इसकी तम लगातार तलाश कर रहे थे, लेकिन विकास नगर उसके आसपास के क्षेत्रों में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। फिर हमें ये सूचना मिली कि मूल रूप मतलब जो अधिकतर ये खोला कॉलोनी गाजियाबाद में रहा है और वहाँ इसकी रुद्रप्रयाग में डीएम मनोज गोयल ने जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने परिवहन विभाग और जनपद के अंतर्गत आने वाली सड़कों को जल्द से जल्द पास कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने तहसील स्तर पर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की लंबित मजिस्ट्रियल जांच आख्या को आगामी 25 जून तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के भी संबंधित SDM को निर्देश दिए। इसके अलावा DM ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जिला चिकित्सालय में निमोनिया और दिमाग के इन्फेक्शन से बचाव हेतु PCV टीका सेंटर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में क्षेत्रीय विधायक मुकेश सिंह कोहली और DM डॉक्टर विजय कुमार पहुंचे। आपको बता दें कि विधायक मुकेश सिंह कोहली ने बताया कि PCV टीका लगने से छोटे बच्चों को काफी फायदा होगा। उन्होंने आम जनमानस से अपने अपने बच्चों को टीका लगवाने की अपील की। आज निमोनिया का जो टीकाकरण का है PVC, आज उसका हम लोगों ने यहाँ जिला अस्पताल पौड़ी में शुभारंभ किया है। और जैसे कि CMO साहब द्वारा बताया गया है कि 1.5 महीने में, 3.5 महीने में और 9 महीने में ये टीका बच्चों पर लगेगा। और जो हमारा बच्चों का टीकाकरण होता है उसी में अब ये टीका भी शामिल हो गया है। और इससे जो बच्चों को दिमागी बुखार आता था, बच्चों में निमोनिया की शिकायत होती थी और बुखार और निमोनिया की शिकायत के कारण बच्चों की जो मृत्यु होती थी, इस टीके के लगने से अब इसमें बहुत हद तक और काफी हद तक इसमें रोकथाम होगी। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम TV के साथ। नमस्कार।